आने वाले वक्त में डालूंगा, बल्कि मेरे को ऐसा बोल रहे तो पब्लिक को क्या बोलेंगे ये लोग, जबकि मैं पिछले 10-12 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। सर इधर जनस्पंदन आदनो वीआईपी स्पंदन आदनो गोतिला सर, लगता कि ये काम के लिए कर रहे हैं, आने वाले एमपी इलेक्शन के लिए ये तैयारी ऐसा लग रही है, मुझे इसका अंदेशा लग रहा है। होना ये चाहिए था आज यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बावजूद बजाय कई लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था, उसी को फॉलोअप अगर करते तो आज यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। क्या एक्शन लेते हैं देखेंगे, या फिर ये चुप जो है ना इलेक्शन के जो है ना कैंपेनिंग जैसा है, अभी पता चलेगा। कुछ ही दिनों में जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उस कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बहुत सारे जो बड़े मसाइल हैं उस पर काम शायद नहीं चल रहा। आज जो जनस्पंदना के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस प्रियंका खरगे जो कैंप रखाए हैं यहाँ पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, तो यहाँ के हालात देखने से ये नहीं लगता कि भाई आज के एक दिन के इस कैंप में पब्लिक का सॉल्व हो, क्योंकि आप दो से ढाई बजने के दरमियान अभी भी कम से कम 300 से 400 लोग लाइन में है, तो ये खाली आश्वासन पूछा जा रहा है, मतलब वर्धन यहाँ पे काम आपका हो जाता बोल के ऐसा एक अश्योर कुछ भी ये नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम के लिए कर रहे हैं, आने वाले एमपी इलेक्शन के लिए ये तैयारी ऐसा लग रही है, मुझे इसका अंदेशा लग रहा है। नहीं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी मेमोरेंडम्स हैं, यहाँ पे जितने भी लोगों के इश्यूज हैं, को लेकर जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। लेके रख ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, फिर ये रख लेकर उसके ऊपर उनकी मीटिंग में डिस्कशन होकर बाद में काम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन दिखावा ये जा रहा है कि यहाँ पे एक इस टाइप का एक कैंप है, लेकिन उसमें ज्यादा मैक्सिमम सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है एमपी इलेक्शन की तैयारी के लिए ये कैंप रखा है? आज यहाँ पर हम लोग हागरा क्रॉस के इशू में जो वहाँ की जो ट्रैफिक का मसला है, उस ताल्लुक से हम यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने आए हैं। ऐसे तो बहुत सारे बार हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, होना ये चाहिए था आज यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बावजूद बजाय जो हमारे पहले जो पहले हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कई लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था, उसी को फॉलोअप अगर करते तो आज यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता था। मेरा पर्सनल कहना यह है कि उसी जो पहले जो लोग हर इशू में जो ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे पार्टीज हो, हर कोई अपना अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है, उसको फॉलोअप किया जाए। एक मेमोरेंडम देने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे। लास्ट ईयर डॉक्टर शंकरदास पाटिल साहब जो है ना एक लेटर दिए थे हमको, यहाँ पे बोरवेल ड्रिल करना है, तो डू द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, उनका इसका मौजूद है। लास्ट ईयर मेयर जो है ना इसके ऊपर टेक द एक्शन इमीडिएट, उनका डिपार्टमेंट को लेटर देते हैं, उसके बाद भी वाटर बोर्ड जो है ना काम नहीं करता, उनके पास बजट नहीं है। मतलब नेता स्टेट से भाषण देते हैं, मैंने 1000 करोड़ लाया, 2000 करोड़ लाया डेवलपमेंट के लिए, तो एक मामूली सी बोरवेल के लिए इनके पास बजट नहीं है अभी तक। और जो है ना कई बार जो बोरवेल ख़राब होते हैं तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी जो है ना हम नुमाइंदगी करते हैं, तो वो हमें सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है बोलकर। तो ये वाटर बोर्ड की लापरवाही जो है ना बहुत काफ़ी है यहाँ पे। और इंचार्ज मिनिस्टर से भी मिलने के लिए आए हुए हैं, जो उन्होंने बोलेंगे काम करने के लिए, उन्होंने क्या क्या डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लेते हैं देखेंगे, या फिर ये चुप जो है ना इलेक्शन के जो है ना कैंपेनिंग जैसा है, अभी पता चलेगा। ये काम उनके पास हम लेकर आए हैं, हमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ जो मेमोरेंडम यहाँ पर आप देने आए हैं, कौन से इशू पर आए हैं यहाँ पर? आज हम लोग मजलिस खिदमत मिल्लत के ज़रिए एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को सबमिट करने के आए हैं। वो इस ताल्लुक से है कि हागर का जो सर्कल है उस पर कई साल पहले एक सिग्नल लगाया गया था, वो अभी तक वो सिग्नल चालू नहीं किया गया है। वहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम लगा हुआ रहता है। आप पूरे गुलबर्गे को पता है कि हाईली ट्रैफिक जाम एरिया कोई है तो हागरगा चौक है। वहाँ पर हम लोग एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, इसके लिए कि वो आने वाले वक्त में जल्द से जल्द वहाँ पर सिग्नल्स का इंतज़ाम चालू करें, ताकि पब्लिक को कन्वीनियंट हो, वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। वहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, इसीलिए कई टाइम वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो मैं यही गुजारिश करने के लिए एक मेमोरेंडम हम देने आए हैं मजलिस खिदमत के मिल्लत के ज़रिए कि वहाँ के सिग्नल्स को जल्द से जल्द चालू किया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पब्लिक प्रोग्राम कम और पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा लग रहा है, तो आपका क्या नज़रिया? देखिए,
इस बार मैं बस यही कहूँगा, आने वाले टाइम में इलेक्शन है, कुछ दिनों में इलेक्शन ज़रूर है, कुछ जो मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के हो सकता है कि मसाइल हल हो जाए, मगर कुछ ही दिनों में जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उस कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बहुत सारे जो बड़े मसाइल हैं उस पर काम शायद नहीं चालू हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पर मेमोरेंडम दे रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि ये काम हो जाएगा? देखिए, हमारा जो काम है बहुत माइनर काम है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो कल से ही ये काम हो सकता है। और एक एक मसला लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नूरानी मोहल्ले में बहुत तकलीफ है पानी के लिए, तकरीबन एक डेढ़ महीने से वहाँ पर पानी नहीं है, लोग टैंकर मंगा के पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद कर अपने यूज़ के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक मेमोरेंडम इसलिए सबमिट करने आए हैं कि नूरानी मोहल्ले में दो अगर बोरवेल पॉइंट मारे गए तो बहुत सारा मसला हल हो सकता है। एक बोरवेल पॉइंट टेंपल स्कूल के पास अगर मारी जाए और एक एक बोरवेल पॉइंट जो है ना कुरेशी, जो कुरेशियों का घर है वहाँ पर अगर मारी जाए तो पूरा नूरानी मोहल्ले को कन्वीनियंट हो सकता है। और एक एक तीसरी गुजारिश करने के लिए हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मोमिनपुरे में बहुत पानी की तकलीफ है, तकरीबन 3-4 महीने से वहाँ पर बहुत मुश्किलात आ रहे हैं पानी को लेकर। हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से गुजारिश करने आ रहे हैं कि नबी कैफे तक 24/7 वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी है, 24/7 नल वहाँ पर मौजूद है नबी कैफे पर, अगर उसको एक्सटेंड करके या फिर वहाँ पर जो दूसरी पाइपलाइन जो मोमिनपुरे में जा रही है उसी पाइपलाइन को अगर ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर एक वॉल लगा के 3 घंटे के लिए अगर वहाँ पर पानी प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को बहुत सहूलत हो सकती है। तो पिछले 4 सालों में कोई सीसी रोड वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, बनाया नहीं गया है, लोग को चलने से सब दुश्वारी हो रही है, नमाजों में जाने के लिए नाली को उंगल के जाना पड़ रहा है, जहाँ तक ताल्लुक है गंज कॉलोनी में ना कोई कॉर्पोरेटर आया है वहाँ पर, ना कोई मिनिस्टर्स कोई आए हुए हैं, वहाँ सर्वे कोई किया है नहीं, वहाँ पर 24 ईयर से रोड नहीं है, और मस्जिद को वही रास्ता जाता है, मंदिर को भी वही रास्ता जाता है, दोनों को रास्ता वही जाता है, लोग नाली से। कितने साल से चल रहा है ये? कितने साल से चल रहा है ये? पिछले 4 साल से चल रहा है, अल्लाह सब के साथ रहे के काम करके 2055 लाख रुपये का रोड में सेंसिंग करके लाया था वहाँ पर। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे पिछले, जो संत प्रकाश पाटिल साहब, उन्होंने वो फंड को वहाँ से हटा के जो ना साउथ में डाल दिया था, मेरा जो फंड था 50 लाख रुपये का उसका अप्रूव नहीं किया उन्होंने, वो नेम ऑफ वर्क चेंज करके उन्होंने साउथ में किया था। मैंने उनके पास घर पे जाके भी उनको मैं लेटर भी दिया था, उनको इशू भी बताया था, उन्होंने बोले आने वाले वक्त में मैं डालूंगा, बल्कि बोले आने वाले वक्त में डालूंगा, बल्कि मेरे को ऐसा बोल रहे तो पब्लिक को क्या बोलेंगे लोग, जबकि मैं पिछले 10-12 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और मैं सिटी मिनोरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ, मेरे वाले साहब वाइस कॉर्पोरेटर है। सर इधर जनस्पंदन VIP स्पंदन आदनो गल सर, या आगे मूड लाइन है VIP लाइन, जनस्पंदन जन वैल्यू नहीं सर, ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು VIP ಸ್ಪಂದನ ಇದು, ದೋ ಬಜರೆ ಫಿರ್ ಭಿ ಲೈನ್ ಆ ರೀ ನೀ ಕ್ಯೋ ಐಸಾ ಕ್ಯೋ ಐಸಾ ತೋ ಅಂದರ್ ಸೆ ಛೋಟ ಲೆ ಆದ್ಮಿ ದೇಖೆ ಮೂ ದೇಖೆ ಮೂ ದೇಖೆ ಛೋಟ ಲೆ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಷ್ಟು ಒಂದರಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿವಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಮಪುರದಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟರ್ ತಂದಿ ಸರ, 17-20 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂದಿ ತೋಲಕತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.